नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए। और आज हम एक स्कैनर भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पे है, उसके बेसिस पे क्या कैसे स्टॉक आप सिलेक्ट करोगे। मैंने अर्लियर वीडियो में भी वो स्कैनर डिस्कस किया है और आज फिर से हम डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। आज निफ्टी 104 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 394 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। आप ये स्क्रीन पे अगर देख रहे होंगे, सो कल का जो दिन था, ये चारों पांचों जो भी इंडेक्स है ये सब रेड था, आज पूरी तरह से ग्रीन है। 100.3 यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, 162 पॉइंट, 236 पॉइंट एंड 227 पॉइंट, जो कि कल जो है ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का डाउनफॉल था। स्मॉल कैप मिड कैप में आज रैली देखा गया, यानी आप बोल सकते हो कि कल के सेल ऑफ के बाद एक मार्केट कहीं ना कहीं पॉज लिया। और कल के वीडियो में ये ऑल इंडाइसेज जब आप देख रहे होंगे तो ये पूरी तरह से रेड था, आज क्या है पूरी तरह से ग्रीन है। निफ्टी मीडिया एनर्जी ऑयल गैस मेटल इंफ्रा ये सब जो है आउट परफॉर्म किया, और ये सब मीडिया जो है जो कि कल अंडर परफॉर्मर था अब आज आउट परफॉर्म किया। मीडिया का अगर ब्रेथ अगर आप देखे होंगे तो ब्रेथ जो है एक्सट्रीम जोन में जा चुका था। इसका मतलब क्या था कि आपको मीडिया में फ्रेश सेल एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए, क्यों, बिकॉज पुल बैक होना चाहिए। तो ब्रेथ आपको क्या इंडिकेट करता है, कैसे आपको ब्रेथ का रीडिंग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पे एटलीस्ट आपको अपोजिट ट्रेड यानी अगेंस्ट द ट्रेंड आपको नहीं जाना है, इस पे आपको फोकस करके रखना है। अगर ब्रेथ अगर एक्सट्रीम जोन यानी बिलो 25 है या बिलो 10 है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट शॉर्ट अवॉइड करो, वेट करो, एक बार न्यूट्रल जोन में आओ। अब जैसे अगर मान लो कि निफ्टी मीडिया आज के डेट में अगर आपका न्यूट्रल जोन में ब्रेथ अगर है और फिर इसके बाद अगर कोई डबल बॉटम सेल मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी रहता है आपके लिए फिर से आपको सेल करने का, अगर इंडेक्स फॉल होता है तो। वैसे ही अगर निफ्टी न्यूट्रल जोन में है और कहीं पे आपको बुलिश पैटर्न मिलता है तो ये अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप फिर से री एंटर कीजिए। तो सबसे अब देखते हैं निफ्टी का इंट्राडे चार्ट, जो कि इंट्राडे में क्या इंडिकेट कर रहा है। कल हमने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो प्लॉट किया था, जो कि बहुत पहले से और इस रेंज में हमने डिसाइड बोला था कि जब प्राइस पॉसिबल इस रेंज में आके रुकेगा 21,100 के नजदीक, और एग्जैक्टली वहीं पे प्राइस पहुंच लिया और वहां से एक मूव लिया 375 तक का। तो कल का जो लेवल था 21,365 के ऊपर अगर सस्टेन होता तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिलता, और एग्जैक्टली 365.75 पे ही क्लोज दिया, उसके ऊपर नहीं गया। 21,100 एक सपोर्ट जो बोले थे कि पॉसिबल इसके नीचे जाएगा तभी आप फ्रेश सेल कीजिए, अदरवाइज आप वेट कीजिए, और आज जो है 21,100 के नजदीक से ही आपका बाउंस दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जब 100 पे सपोर्ट लिया तो पॉसिबल वो बाउंस कहां तक 365 तक जाना चाहिए, और एग्जैक्टली वहीं तक गया। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो कि सपोर्ट पे बाय करके रेजिस्टेंस पे। अब कल के लिए जो लेवल है कल का क्या हो सकता है कि अगर प्राइस अगर 21,400 के ऊपर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है 500 एंड ये जो लेवल है 570 तक का, और डाउनसाइड मूव अगर पॉसिबल 21,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है यानी आज के लो के नीचे, तो एक फर्स्ट जो लेवल है 20,900 और उसके नीचे भी अगर जाता है तो 20,800, ये एक 800 जो दिख रहा है एक मेजर सपोर्ट बिकॉज क्लस्टर ऑफ काउंट भी है। तो ये निफ्टी का है ओवरऑल चार्ट सेटअप, अभी भी इंट्राडे के सेटअप के हिसाब से बेरिश है बिकॉज प्रीवियस टू एंकर पॉइंट के नीचे पे ही क्लोज दिया है। अब कल अगर प्रीवियस एंकर पॉइंट के नीचे में ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहता है तो ये बेरिश पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जैसे ही अगर ये इस लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा ये जो आपको दिख रहा है 600 तो ये फिर से फ्रेश यानी यहां से फॉलो थ्रू अगर मिलता है तो फ्रेश आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे का लेवल क्या है। तो इंट्राडे में एग्जैक्टली
48,200-48,300 के करीब में एक रेजिस्टेंस लिया है, जहां पे ये ट्रेंड लाइन है। इसके ऊपर जब तक यानी 48,250 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको 48,600 तक मिल सकता है, और डाउन साइड 47,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको एक डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। सो अदरवाइज इसी बीच में हो सकता है कि 48,250 और 47,800 के बीच में ये प्राइस सस्टेन हो। निफ्टी बैंक एग्जैक्टली ईओडी में ये कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हो गया है, यानी यहां पे कॉलम कंसोलिडेशन जो दिख रहा है बिकॉज ऑफ डिस्पैरिटी जो हम बोलते हैं। सो यहां हो सकता है कि फिर कॉलम ऑफ एक्स थोड़ा और एक्सटेंड हो और उसके बाद फिर कॉलम ऑफ हो और ये एबीसी फॉर्मेशन या कुछ ट्रेंगल फॉर्मेशन इस तरह का, इससे आपका डिस्पैरिटी कम होगा और फिर जब ब्रेकआउट अगर होता है तो ये अपॉर्चुनिटी रहता है जब आप फिर से फ्रेश ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो न्यूट्रल जो लेवल है यानी अगर प्राइस ईओडी में अगर प्राइस 47,400 के नीचे अगर जाता है तो यहां पे न्यूट्रल सेटअप हो जाएगा, बुलिश से न्यूट्रल में चला जाएगा। निफ्टी 50 की बात करें तो यहां पे भी कॉलम ऑफ एक्स में है, यानी प्राइस अगर 21,140 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल ये जो सेटअप जो है ये एक न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर यहां 21,460 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर से फ्रेश आपका बाइंग आपको आएगा बाय, तो वहां पे 460 के ऊपर क्लोजिंग के बाद आप देख सकते हो कोई भी जो बुलिश ब्रेकआउट होता है तो उस पर आपको ध्यान रखना है। ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहे हैं, तो ऑल एसेट क्लास यहाँ टर्न जरूर है। यस, कल तक आप देखो कॉलम ऑफ एक्स में था, यहाँ अदर एसेट क्लास अभी ओ में हो गया है, अभी भी अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो पॉसिबल ये एक गुड साइन है इक्विटी मार्केट के लिए, और यहाँ पे कॉलम ऑफ एक्स में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है गोल्ड जीएस कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर का, तो पॉसिबल एक इक्विटी मार्केट में फिर से आपको तेजी दिख सकती है, यानी कंटिन्यू ये रैली दिख सकता है। ओआई के हिसाब से अभी अगर हम देखें 21,000 और 22,000, सो ये 1,000 पॉइंट का रेंज हो गया है। ये रेंज शिफ्ट होगा, जब शिफ्ट होगा तब ही समझ में आएगा, लेकिन करेंटली जो है मेजर जो है सपोर्ट 21,000 और मेजर रेजिस्टेंस 22,000 का बना हुआ है ओआई के हिसाब से जो दिख रहा है, बिकॉज नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी है। अब जो हम एक आज डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप आर जोन में आप जाओगे यहाँ पे एक स्मार्ट स्कैनर में ऑल टाइम हाई लो स्कैनर है, इसमें हम सिलेक्ट किए लेट से निफ्टी 750 और 750 ग्रुप सिलेक्ट किए, यहाँ पे फ्रेश मैंने किया, डेनोमेटर हम निफ्टी 500 सिलेक्ट किए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ की हम ये देखना चाह रहे हैं कि निफ्टी 750 के कौन से स्टॉक्स जो आरएस पे ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो ट्रिगर हुआ है, और हमने फ्रेश पे टिक किया है, मतलब जो 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 आज क्वालिफाई हुआ है उसको ये दिखाएगा। अब अगर आरएस पे अगर ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो हो और प्राइस पे भी अगर कहीं पे ब्रेकआउट अगर मिलता है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहता है, जहां पे आप उधर यानी पोजीशन के हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे फर्स्ट जो आया बीडीएल, अब बीडीएल का अगर आप चार्ट देखो तो यहाँ आप देखो आरएस चार्ट पे यानी रेशियो चार्ट पे ये क्लियर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है बीडीएल अपॉन निफ्टी 500। सो बीडीएल क्या है कि निफ्टी 500 के अगेंस्ट आउट परफॉर्म कर रहा है, और उसमें भी अब बीडीएल का अगर हम चार्ट देखें तो ये एक कॉलम ऑफ यानी एंकर कॉलम उसके बाद डबल टॉप बाई, तो यहां पे क्लियर एक डबल टॉप बाई है, नेक्स्ट यानी फॉलो थ्रू कंटिन्यू है। 1477 जो है पैटर्न फेलियर लेवल है, अगर 1% का चार्ट देखो तो 1% में रिट्रेसमेंट नहीं है लेकिन 0.25% पे है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो आप यहां पे रिट्रेसमेंट के बाद का फॉलो थ्रू ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर यहां पे दिख रहा है। अनदर जो चार्ट जो है आपका बी सॉफ्ट में भी यस ऑल टाइम हाई आप देख सकते हो कि इसने ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई आरएस चार्ट पे। तो प्राइस चार्ट पे क्या दिख रहा है, तो बी सॉफ्ट का आप प्राइस चार्ट जब ओपन करो तो
तो यहां पे भी फॉलो थ्रू आपका आज दिया है। सो नेक्स्ट यानी ये फॉलो थ्रू अगर कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबल 770, हमने ये कवर भी किया था 20 ऑफ चार्ट अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में। और ये जो 678 और 770 का ये काउंट भी ओपन था उस समय। सो करेंटली जो काउंट जो ओपन हो जाएगा यानी 840 का ओपन हो जाएगा, पैटर्न जो फेलियर लेवल है बिलो 705। और ये अगर आप पूरा मीडियम टर्म अगर हम देखें तो एमए का भी आप कर सकते हो जो कि एमए का 637 का है। अनदर स्टॉक, एक एक थोड़ा हम स्टॉक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, दो तीन स्टॉक यहाँ पे जैसे सीएंट हुआ, आईआरएफसी हुआ, परसिस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आईटी जो है ऑल टाइम हाई यानी आरएस जो स्टॉक है, बी सॉफ्ट हुआ, परसिस्टेंट हुआ, सीएंट हुआ, ये सब आरएस चार्ट पे आउट परफॉर्म किया है। तो इसका इसका प्राइस चार्ट पे अगर कोई भी डबल टॉप बाई आता है जैसे परसिस्टेंट, तो परसिस्टेंट की बात करें तो परसिस्टेंट में अब यहां पे डबल टॉप बाई का जो लेवल है 7232 के ऊपर। अगर ये प्राइस अगर 7232 के ऊपर निकलता है तो पॉसिबल है कि इसमें फिर से आपको तेजी दिख सकती है और ये काउंट भी ओपन हो जाएगा अगर उसके ऊपर जाता है तो 8215 है। करेंटली ये काउंट जो है एक्टिवेट नहीं है, एस्टेब्लिश्ड काउंट है। वैसे अगर हम बात करें ऑल टाइम हाई का परसिस्टेंट आईआरएफसी हमने कवर यहां पे किया था कि ये एक ब्रेकआउट दे रहा है एबीसी ब्रेकआउट शॉर्ट ऑफ, उसके बाद ये रैली हुआ और अभी भी ये स्ट्रांग दिख रहा है। अगर डबल टॉप बाई आता है तो डबल टॉप बाई का लेवल यानी 100 रुपीज के ऊपर अगर सस्टेन होता है, क्लोज होता है, तो वहां पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 92 है और 133 का ये काउंट ओपन है। तो इस पे भी आप न देखो बिकॉज आरएस पे भी ये स्ट्रांग है और प्राइस पे भी डबल टॉप बाई। तो आपको देखना है कि प्राइस पे कब आपका ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद आप एंटर कर सकते हो। सो होप आपको इस तरह से आप जैसे मैंने ऑल टाइम हाई उस तरह से ऑल टाइम लो अगर कोई एफएनओ स्टॉक अगर मिलता है तो उस पे भी आप देख सकते हो कि बिकॉज आरएस पे अंडर परफॉर्मेंस और एक सीएंट था तो सीएंट का भी आप देख सकते हो कि सीएंट इसने किया और सीएंट में प्राइस पैटर्न क्या है। सीएंट का प्राइस पैटर्न बहुत ही अट्रैक्टिव है अगर हम बात करें तो, बुलिस एबीसीआई एंकर फॉलो थ्रू भी फॉर्मेशन हो गया है तो ये एक पैटर्न जो कि 2637 का। तो आप अगर बोले बी सॉफ्ट, परसिस्टेंट और सीएंट, ये तीनों पे नजर रखना चाहिए। पैटर्न फेलियर, सीएंट का पैटर्न फेलियर लेवल क्या है 2198, तो इसका मतलब आईटी जो है मिडकैप आईटी आप बोल सकते हो, इस पे आप नजर रखो। कोई भी स्टॉक में यहां पे अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगला। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।